बाद नुपुर शर्मा की बयानबाजी को लेकर हुए उपद्रव, तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं की निंदा करते हुए महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास ने बताया कि जी आपका परिचय महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास। अच्छा, ये जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नुपुर शर्मा ने कोई भी जो बयान दिया है वो गलत नहीं दिया। ये वहाँ पर पहले तो आप इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा कि एक डिबेट के अंदर उन्होंने जवाब दिया है, जब उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणियाँ हमारे देवी देवताओं के लिए की जा रही थी, तो उन्होंने उसी का जवाब दिया है और उस जवाब में भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप पहले देखिए हदीस में, आप खुद जा कर के देख लीजिए कि 77 पेज पर लिखा है कि आयशा ने, जो आयशा का खुद उसमें दिया गया है, रवायत लिखी है कि 6 साल की थी जब उनका निकाह मोहम्मद प्रॉफिट से हुआ था इनके, तो उसमें स्पष्ट लिखा है। उसने कहाँ गलत कहा? चपटी अगर दुनिया, उन्होंने कहा है कि गोल है, वो हम कहते हैं गोल है, तो लेकिन उनके यहाँ तो चपटी लिखा है ना, आसमानी घोड़ों का भी जिक्र है। तो इसमें ये बताइए कि उन्होंने गलत कहाँ कहा है? यदि उन्होंने गलत कहा है तो फिर आपकी किताब गलत है। अगर आपकी किताब में सही लिखा है तो नुपुर शर्मा के ऊपर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये जो बयान है नुपुर शर्मा खुद का है या इसके कोई प्रमाण नहीं? हाँ, प्रमाणित किया है उसने। हम उसकी पुस्तक का आपको विश्लेषण पूरा दिखा देंगे कि आप उसमें बाकायदा दिखा सकते हैं। पूरे देश के कुछ राज्यों में ये जो दंगे हुए हैं, तो शासन प्रशासन का इसमें क्या रोल रहा है योगी सरकार के आदेशानुसार? जैसे ही इन्होंने तोड़फोड़ मचाई तो हमारे जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं अखिलेश सिंह जी, वो मुस्तैदी के साथ वहाँ पर गए और एसएसपी जो आकाश तोमर जी हैं, उन लोगों ने एकदम एक्शन लिया और बड़े एक घटना को अंजाम देने होने से बचा लिया शहर को। और योगी जी ने तुरंत वहाँ से आदेश दिए थे, उनके आदेश पे एक्टिव कार्रवाई हुई और जितने भी दंगाई थे उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया और चिन्हित करने के बाद उनके घरों पर बुलडोजर आज कार्रवाई के रूप में चला दिया गया है। और हम तो ये कहेंगे कि जो मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, जो ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को मारने या उनका बलात्कार करने की जान माल से ये इस प्रकार की घटिया बात कहते हैं, तो ये जब हमारे देवी देवताओं को इतना भद्दा और गंदा बोलते हैं, तौकीर देख लीजिए क्या बोलता है, ओवीसी देखिए क्या बोलता है, मूवी तक बनाता है ये आमिर खान हमारे धर्म के ऊपर, ठीक, और ये मदनी है, रजा है, ये लोग क्या क्या बोलते हैं हमारी देवी देवताओं पे, कहीं नंगी तस्वीरें बनाते हैं देवियों के और गंदा बोलते हैं। और अभी शोएब खान ने ट्वीट एक इतना गंदा किया है, देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगी आपको, हैशटैग बता देंगे, उसको दिखाएंगे हम आपको, कि उसने ट्वीट किया है कि पार्वती और शिवलिंग की तो पूजा हो गई है, प्राइवेट पार्ट की पूजा हो गई है, अब सीता मैया के बूब्स की पूजा बाकी है। देखिए ये कितना ये सम्मान है। तो यदि अगर नुपुर शर्मा ने कहा है, मैं एक बार चाहूंगी कि पार्टी ने जो एक्शन लिया है वो पार्टी का अपना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि वह भारत की नारी है, उसने कुछ गलत नहीं बोला है, उसे सजा नहीं, उसे Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, नवीन जिंदल को भी और नुपुर शर्मा को भी। हम सारे सनातनी हिंदू और सादा संत समाज नुपुर शर्मा के साथ है, और जो अगर इनके साथ कोई गलत करेगा या फिर कहेगा भाजपा का बायकॉट, हम भाजपा का बायकॉट नहीं कर रहे, हम ऐसे अराजक तत्वों का बायकॉट करते हैं। कल जो जुमे की नमाज अदा की गई थी, तो जुमे की नमाज के तुरंत बाद सहारनपुर में ही नहीं पूरे देश के अंदर एकदम दंगे हुए हैं, तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? देखिए ये एक इनका प्रयोग है कि अगर सफल हो गया तो ये भारत में बवाल मचाएंगे। इसमें तो बड़े बड़े देशों का भी साफ हाथ दिखाई देता है, क्योंकि भारत की जो रेटिंग है ये ऊपर आ रही है, जो अमेरिका से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, चीन भी इसमें सहयोग दे रहा है। अब इन्होंने जो
हम हिंदू जाते हैं मंदिर में और वापस आते हैं तो हमारे हाथों में लड्डू होता है, लेकिन इनके परंपराओं को देखिए, इनकी नमाज से ये निकल के आते हैं, तो ऐसा क्या इनके उलेमा मौलामा मौलाना इनको क्या पढ़ाते हैं कि जो ये हाथों में लेके पत्थर निकलते हैं और उन्होंने धुआंधार एक लोगों के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए, लूटपाट शुरू कर दी है, आप देखिए लूट करनी शुरू कर दी है, तो ये क्या है? तो या ये शासन और प्रशासन के नाक के नीचे उन्होंने चोरी छिपे ये प्लान बनाए और उनको अंजाम दिया है एक साथ, एकदम कुछ नहीं होगा, एकदम एक जगह हो सकता है। इन्होंने क्योंकि 5 बार ये लोग नमाज पढ़ते हैं, इन्होंने सूचनाएं लिखित करके अब एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया है और उसी प्लान के ऊपर इन्होंने एकदम अंजाम दिया है। शुक्रवार तो आगे, अरे यदि शुक्रवार को ये पत्थर डे के रूप में मनाएंगे तो शनिवार को भूले मत, शनिवार बुलडोजर डे होगा। शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है ये कब तक जारी रहेगी? देखिए शासन और प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो हम योगी जी को हैट्स ऑफ करना चाहेंगे कि हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा कदम लिया है। ये जो दंगाई है इन्होंने शासन से सीधा टकराने की कोशिश की है और इनके साथ तब तक ये कार्रवाई कड़ी अंजाम देनी चाहिए जब तक इनकी अकल ठिकाने पर ना आ जाए, ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, शांति व्यवस्था जब तक निश्चित ना हो जाए जब तक ये कार्रवाई होनी चाहिए।